नमस्कार किसान साथियों, मैं राजू राम राठौर, तहसील बिल्लाड़ा, जिला जोधपुर, राजस्थान से आज आपको जैविक खेती करने के लिए एक नया तरीका बता रहे हैं। ये तरीका परंपरागत और पौराणिक है। हजारों वर्षों से जो खेती करते आ रहे किसान भाई, जो कभी रसायनों का इस्तेमाल नहीं करते और जो जैविक खेती करते हैं, कुछ किसान भाई गौ आधारित खेती करते हैं, गाय पालते हैं, और वही गाय जीवन भर कुछ न कुछ जीते जीते दे जाती है, गोबर, गोमूत्र, दूध। और जब वो गाय घर परिवार आंगन छोड़कर निकल जाती है, यानी कि वो मृत हो जाती है, उसके बाद भी वह गाय बहुत उपयोगी है। मृत गाय के शरीर से आप किसान भाई समाधि खाद बना सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव और असरदार परिणाम देने वाला एक उत्पाद है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो मृत गाय के खुर, ये आप देखें, ये मृत गाय के जो खुर हैं, जो कि भारतीय देसी नस्ल की गाय जो मर जाती है किसी कारणवश या उम्र पूरी होने के बाद बुढ़ी होकर, तो उनके उतरे हुए खुर हमने लिए हैं। और आज चल रहे हैं चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि में सींगों को आप कंपोस्ट के रूप में तैयार करें। यह एक परमाणु बम जैसा इसका उपयोग रहा है, जैसे खेती के लिए बहुत ही इसका अच्छा उपयोग है। तो ये आप देखें, हम इसको पहले भी कई बार बना चुके हैं। इन खुरों के अंदर जो खाली आप देख रहे हैं खोखलापन, इन खुरों के अंदर आज हम एक ऐसा उत्पाद भरने जा रहे हैं। इस चैत्र नवरात्रि में इसको बना के, काफ़ी सारे खुर हैं, तकरीबन 20 से 30 खुर हैं। इन खुरों के अंदर हमने जो तैयार किया है, ये कंपोस्ट और सिलिका का पाउडर, इसमें 10 किलो तो ली है गोबर, जो कि 15 से 20 दिन पुरानी कंपोस्ट, अर्ध कंपोस्ट खाद ली है, और 2 किलो इसमें डाला है सिलिका पाउडर। सिलिका पाउडर किसान साथियों आपको बाजार में भी मिल जाता है। सिलिका कोई एक विशेष अलग उत्पाद नहीं है, एक पत्थर है जो चिकना होता है, जिसको पाउडर करके इसके अंदर इसका पाउडर मिलाया है। ये हम इसको रखेंगे 6 महीने के लिए, और इस बकेट के अंदर हम रखेंगे, जिसके ऊपर आप लिखा देख पा रहे हैं खुर खाद। ये जो खुर खाद है 1 एकड़ के लिए हम बनाने जा रहे हैं। ये जो ऐसा गाढ़ा जो पदार्थ है, हम इसको इन खुरों में इस प्रकार भर भर के पूरा ठूंस ठूंस के इसके अंदर ऐसे भरेंगे, और उसके बाद इस बकेट में पहले हम थोड़ा इसके अंदर ऐसे नीचे कंपोस्ट डालेंगे, इस तरह कंपोस्ट थोड़ा डाल के, ताकि ये खुर अंदर न रहे और नीचे पैंदे में न जमे। इतना सा कंपोस्ट अंदर डाल के फिर इस तरह इन सींगों को सिलिका पाउडर और गोबर खाद से, इसको हमने जो गीला किया है थोड़ा, इसके अंदर हमने 5 लीटर वेस्ट डी कंपोजर मिलाया है, क्योंकि जब सिलिका का सूखा पाउडर गोबर में मिलाते हैं तो वो एकदम रूखा रूखा रह जाता है। इसको और गीला और इफेक्टिव, और इसके अंदर बैक्टीरिया ज़्यादा बने और एकदम सकारात्मक ऊर्जा इसके अंदर बनी रहे, तो आप सभी किसान भाई चैत्र नवरात्रि में सिलिका पाउडर से इन सींगों को और खुरों को, पहले हम आपको खुरों का उपयोग बता रहे हैं, क्योंकि खुरों के लिए अलग विधि है और जो सींग है सींगों के लिए भी अलग विधि है, वो भी हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। इस प्रकार जैसे मैंने इसको ठूंस ठूंस के भरा है, इस तरह भर भर के इसके अंदर हम रखने जाएंगे। बीच बीच में इसको रखेंगे, जो भी मसाला अंदर आएगा वो मसाला अंदर भरेंगे। ऐसा करने से ये सींग अंदर जो इसके अंदर पाए जाने वाला तत्व है, 6 महीने तक रखेंगे। अगली नवरात्रि जब आएगी तो इसे हम खाली कर लेंगे। किसान भाइयों, आप किसी भी फसल में जब कोई भी खाद का बुरकाव विधि से उपयोग करते हैं, चाहे आपके पास
वर्मी बेड के द्वारा बनाया गया केंचुआ खाद हो या फिर अन्य कोई सूखा खाद अगर आपने बनाया है, तो आप उस खाद के साथ इस बने खाद को 6 महीने के बाद 25 से 30 ग्राम अतिरिक्त 100 किलो 50 किलो जो भी आपके पास बना दूसरा खाद उसमें मिलाकर आप इसको मिश्रण करके 2-3 दिन बारदान से ढक कर फिर उसका पाउडर का खेत में भुरकाव करें, आपको बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। इस तरह आप भरें, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसको कैसे भर रहा हूँ, इस तरह भर के इस बकेट के अंदर हम डालने जा रहे हैं। इस तरह पूरा भर के इन खूरों को हम अंदर रख रहे हैं। जब इनके बीच में आप रखते हैं तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर से भी कंपोस्ट डालते रहें ताकि खूरों के बीच जगह न रहे। इस तरह ये खाद हर एक फसल के लिए, बागवानी के लिए, सब्जी वर्गीय फसल के लिए बहुत ही अच्छा उत्तम परिणाम देने वाला है। पौराणिक तरीकों में इसको परमाणु बम की संज्ञा दी गई है, परमाणु खाद की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार ये हम बनाने जा रहे हैं उसी प्रकार आप भी बनाएं। आपके पास अगर मृत गाय के सींग है तो उसे भी आप अलग विधि से, इसका वीडियो हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे कैसे बनाएं। फिर से बता दूं किसान साथियों, 10 किलो गोबर ली है 15 से 20 दिन पुरानी, और 2 किलो सिलिका पाउडर। सिलिका पाउडर एक प्रकार की चूरी यानी कि एक प्रकार का सफेद पत्थर, उसका जो पाउडर वो हमने लिया है, और इसको थोड़ा गीला करने के लिए 5 लीटर वेस्ट डी कंपोजर मिलाया है। और इस बकेट के अंदर आप देखें फिर से, इसके अंदर हम आज चैत्र नवरात्रि में लगाने जा रहे हैं। फिर हम इसके बीच में आप ऐसे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरह आप गोबर डालते रहें, ये जब धीरे धीरे गोबर सूख जाएगा तो एकदम सूखा सूखा पाउडर हो जाएगा। जब कब आपको अगले 6 महीने के बाद इसको निकाल कर भंडारण करना हो तो आप इन खुरों से इस तरह बने जीवाणु, सक्रिय जीवाणु यानी ताकतवर जीवाणुओं के घोल को, इस प्रकार के सूखे पाउडर को कोई कांच के बर्तन में भंडारण करके रखें। ये कभी खराब नहीं होने वाला एक इफेक्टिव परिणाम देने वाला घोल है। तो किसान भाइयों आप देखें, अब इसके अंदर हमने सारे खुर इसके अंदर डाल दिए हैं, और इन खुरों के अंदर भी सिलिका पाउडर और कंपोस्ट खाद डाला है। अब इसको पूरा इसको ऐसे इसी कंपोस्ट से ढक के रख लेंगे। इसको वैसे जमीन में गाड़ना होता है, पर छाया की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण, खाली जगह न होने के कारण इसको हम आज इस तरह पूर्ण रूप से तैयार करके इसको नीम के पेड़ की छांव में इसको रख लेंगे। अब आप देखें, हमने इसको ऐसे पूर्ण रूप से बकेट को भर दिया है। इसके अंदर गाय के खुरों में जो सिलिका और कंपोस्ट खाद वेस्ट डी कंपोजर के द्वारा बना डाला, इसको 6 महीने रखेंगे। इसके बाद ये खाद एकदम इफेक्टिव जीवाणु, सकारात्मक जीवाणुओं से भरपूर हो जाएगी। यही जीवाणु जमीन में जड़ों को बढ़ाएगा, पौधों की ग्रोथ देगा। जमीन के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का एक अभिन्न अंग है। प्राकृतिक खेती करने में बहुत ऐसे उत्पादों का समावेश आपको भी करना चाहिए। अभी इसके अंदर थोड़ा सा वेस्ट डी कंपोजर डाल देते हैं ताकि ये जो वेस्ट डी कंपोजर के बैक्टीरिया है इसको और कंपोस्ट करने में इसका सहयोग करे। आप से मेरा निवेदन, अगर आप इसके ऊपर प्लास्टिक की पन्नी बांध के रखते हैं तो भी ठीक है, अन्यथा ऐसे नॉर्मली ढक्कन लगाकर इसके ऊपर आप पत्थर रख के
इसको छाया में रख दें। ये इस प्रकार आप तैयार करें। धन्यवाद। ना।